तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप दुबई का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी कंपनी के साथ टाई अप है। मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ कि वो कैसे आप इसका दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने खुद भी इसका वीज़ा खुद ही अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा मिल भी गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे, इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप सीधा ये लिंक खोल सकते हो। ये लिंक है इसका और ये 30 दिनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, 14 दिनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 90 दिनों के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीपल इंट्री भी ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे 30 दिनों के लिए। 14 दिनों और 30 दिनों के लिए सेम ही फीस लगती है, इसलिए हम 30 दिनों का करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसके लिए आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, उसकी सिक्स मंथ की वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए और उसके 2 पेज खाली होने चाहिए। जो उसके जो पेपर होते हैं ना, वो वहाँ पे 2 पेज खाली होने चाहिए। और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है? इसकी वीज़ा फ़ीस है 5230 रुपये। ये 5230 रुपये इसकी फ़ीस होती है। और आपके पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए फ्लाइट दुबई की। फ्लाइट दुबई एक एयरलाइन है, तो यहाँ से आपको आने और जाने की टिकट कंफर्म होनी चाहिए। तो आप जो भी काम करते हो, आपके एक प्रूफ उसका होना चाहिए। जैसे आप जो काम करते हो उसका प्रूफ होना चाहिए, जहाँ कहीं पे आप जॉब करते हो वहाँ का आपका प्रूफ होना चाहिए और आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आप रिटर्न वगैरह भरते हो, आपकी 2 साल की रिटर्न की उसकी इसके साथ एक कॉपी लगेगी। और आपकी कलर फोटो होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए, तो फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसका फॉर्म है। ये इसको आप डाउनलोड करेंगे और इसे भरेंगे। जो मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे ना खोला हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये खुल जाएगा। ये खुल जाएगा जब ये हमने ऑफिस ऑफिस में जमा कराना है, जो वीज़ा ऑफिस है, यहाँ से हमें वीज़ा मिलेगा दुबई का। तो मैं आपको वीज़ा ऑफिस भी बताऊँगा कहाँ कहाँ पे है इसके। तो यहाँ पे आपने जो अपनी फ्लाइट नंबर बुक किया है, यहाँ पे उसका नंबर भरना है, यहाँ पे टिकट नंबर भरना है जो आपने फ़्लाइट बुक किया। फ़्लाइट कैसे बुक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो फ्लाइट दुबई के थ्रू हो जाएगा। ये इस वेबसाइट का भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, यहाँ से कहाँ से आपने ट्रैवल करना है। जैसे जैसे आपने दिल्ली से करना है, दिल्ली एयरपोर्ट से, और दुबई करना है, यहाँ पे दुबई भर देंगे, दुबई भर देंगे। कब जाना है, रिटर्न कब जाना है, वापस कब आना है, सभी डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फाइंड फ्लाइट कर देंगे, तो यहाँ से आप टिकट बुक भी खुद कर सकते हो, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी जो फ़्लाइट है इसकी। अब मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें। और चलो ये खुल रहा है, तभी बताता हूँ मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे अपना नेम भरना है, ओके, यहाँ पे नेम भरना है, यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है सभी। और ये अच्छे से रीड करके आपने सभी सभी अच्छे से भरना है और इसे सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे टूरिस्ट का वीज़ा कौन सा लेना है, अपने बिजनेस पर्पज़ का लेना है या टूरिस्ट का, या यहाँ पे टूरिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और सिटी एरिया डालना है। ये भी केयरफुली रीड करना है और इसे भरना है। और इसे भर के आपने कहाँ पे देना है, जो जमा कराना है आपने, वो जाना है आपने यहाँ पे जाना है। प्रोसेस टाइम हो गई है तो इसका, ओके, ये 3 से 4 दिन लग जाएंगे। और जाना कहाँ पे है, अप्लाई पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपके जो नियर है उसे वहाँ की लोकेशन देख सकते हो आप। जैसे दिल्ली के पास हो, अहमदाबाद के पास हो, तो इस एड्रेस पे जाना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे ना, तो इसमें यहाँ पर वो फॉर्म जमा कराना है और इसके साथ अपने रिटर्न टिकट करानी है, अपने पासपोर्ट की कॉपी करानी है साथ में, और होटल बुकिंग भी होनी चाहिए आपकी। ये मुंबई का है, ये भी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी। और इनका एक हेल्पलाइन नंबर है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये रहा इसका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से कॉल करके आप मालूम कर सकते हो अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो। ये इतना सा प्रोसेस ही है, जब आप
ये फॉर्म भर के आप इस एड्रेस पे सेंड कर देंगे ना यहाँ पे जो आपके नियर पड़ता है, तो आपको 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे आपका वीज़ा आ जाएगा। तो वो आपको प्रिंट करना है और आप वहाँ पे जा सकते हो दुबई में। अभी ये खुल गई, अभी जो हम देख रहे थे ना उसकी फ्लाइट दुबई की, ये टिकट आ रही है इसकी, जैसे 27 हज़ार की, 24 हज़ार की पड़ेगी ये, मंडे को 27 हज़ार की पड़ेगी। ये आने जाने की दोनों की होती है, ये जैसे 21 हज़ार की पड़ जाएगी ये। तो यहाँ से आप खुद ही कर सकते हो, यहाँ पे बुकिंग भी खुद कर सकते हो। इसमें पहले लॉगिन करना पड़ता है, यहाँ पे मेंबर आईडी से लॉगिन पासवर्ड वगैरह बनता है यहाँ से। तो आप यहाँ से पहले टिकट बुक करोगे, फिर आप करोगे होटल बुक करोगे, और उसके बाद आप ये फी अपने जो रिटर्न होती है, जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, वो इसके से इसके साथ अटैच करोगे, और ये वाला फॉर्म आपने भरना है। ये वाला फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और ये भरना है और ये यहाँ पे सबमिट करना है आपके जो नियर ऑफिस है, यहाँ पे आपने सबमिट करना है, और 3 से 4 दिन में आपके ईमेल पर वो वीज़ा आ जाएगा, ई वीज़ा होता है इसका दुबई का। और थैंक्स वीडियो देखने के लिए।